all HODs, teachers and students to today's program on the UAV and drone industry. Drones have become increasingly popular in recent years, making significant advancement in various fields including agriculture, constructions, surveillance, photography and even package delivery. As the demand for drones continues to grow, it is important for us to stay updated on the latest trends and developments in this rapidly evolving industry. Today, we have gathered some of the brightest minds and experts in the UAV and drone industry to share their insights, experience and expertise with us. Through their presentation and discussions, we hope to gain a better understanding of the opportunities and challenges in this ever-expanding field. I would like to welcome to our esteemed guest Vinod Kumar sir, Managing Director of Crosswind Solutions and team, for taking the time to educate and inspire us today. Vinod Kumar sir is a well-known technical professional in the field of aero modeling, having a 32 years of vast experience, many achievements and awards to his credit. Sir has trained to more than 20,000 students in aero modeling and associated with more than 250 schools, colleges, universities for aero modeling trainings. Sir has started India's first manufacturing unit for UAV and drones and also providing commercial services, GIS mapping, etc. to government and corporate. We would like to invite Vinod sir, Dean sir, Gurpreet ma'am for lamplighting to start our program. Now, I would like to invite Vinod Kumar sir on the stage to tell us about the possibilities in the drone industry. Let's welcome to sir with a big round of applause. Thank you.
सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द कॉलेज एंड स्टाफ कि उन्होंने मुझे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ इस प्रोग्राम को करने के लिए. दूसरा, गुड मॉर्निंग. Good morning. Thank you. So, आज आप यहाँ जो देख रहे हैं basically UAV and drone. कोई बता सकता है what is UAV? Anyone? Drone क्या होता है? Drone के बारे में देखा होगा, सुना होगा, वो तो कह रहा आपने देखा होगा, right? नहीं. क्या कौन से मतलब बड़ा हल्का आप लोगों का व्यू आ रहा है. यूएवी जैसे यूएवी हमने देखा है, राइट? मेरी आवाज आ रही पीछे तक? यस सर. मैं ज्यादा कंफर्ट हूँ विदाउट माइक क्योंकि मेरी आदत है मूवमेंट करते रहने कर बात करने. ओके, ओके. तो यूएवी बेसिकली एक शॉर्ट वर्ड है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि जो बिना किसी भी ह्यूमन बीइंग के फ्लाई करता है ऑन एयर, राइट? उसे हम यूएवी कहते हैं. तो यूएवी बेसिकली जितने भी आपने देखे होंगे रिमोट कंट्रोल प्लेन या ड्रोन, वो सब एक यूएवी है. ओके, ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ड्रोन बेसिकली ये जो मल्टीकॉप्टर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रखे हुआ, ये जो मल्टीकॉप्टर है इसको हम बेसिकली देखते हैं और बात करते हैं तो ये ड्रोन का रूप है. इसको फिर ड्रोन के रूप में देखते हैं. ओके, अच्छा, आप में से कितने लोग ये समझते होंगे कि आने वाला जो टाइम है वो हर एक चीज उड़ने वाली है या सब कुछ रिमोट के थ्रू एक दूसरे के पास पहुंचने वाली है या कोई भी जैसे आप जो वार हो रही है वो सारी जो जैसे रसिया और यूक्रेन की जो आजकल आपने आप लोगों ने सुना होगा जो वॉर हो रही है वो भी बेसिकली एक ही जगह पर बैठे बैठे हम ड्रोन को भेजकर और वार लड़ रहे हैं एक दूसरे देश. उसी तरीके से आजकल जितने भी एग्रीकल्चर्स जो हम वर्क करने वाले हैं जैसे हम पेस्टिसाइड करते हैं या सीड बीजों को हम अपने खेतों के अंदर डालने का जो काम कर रहे हैं वो सब आज की डेट में हमारे इन ड्रोन्स एंड यूएवी से होने लगा. मीन्स ड्रोन के नीचे हम एक बर्थ लगाकर उनको कहीं भी कोई भी जैसे यहाँ पर हमने 5 लीटर 10 लीटर 50 लीटर तक का टैंक लगाकर हम इसे इजीली अपने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं, मैं अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाऊंगा पर उससे पहले मैं अब आपको अपनी कंपनी के बारे में बता दूं. बेसिकली आई एम विनोद कुमार एंड ओनर ऑफ दिस कंपनी क्रॉसविंड सॉल्यूशंस. क्रॉसविंड सॉल्यूशन बेसिकली ये यूएवी एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है. आप यहां पर देख रहे होंगे छोटे से ये जो मॉडल है ये इनको हम कहते हैं चकलाइट. चकलाइट क्यों? क्योंकि कोई भी मॉडल बनाने से पहले हम एक नमूना बनाते हैं, राइट? तो ये उसी का एक रूप है और ये बहुत बढ़िया फ्लाई करते हैं. कुछ दिन के लिए फैन बंद हो जाएंगे प्लीज. ये छोटा चकलाइट भी अगर हम इसे फुल फ्लाई फ्लाई करें तो ये कम से कम 60 से 70 फीट की हाइट पर जाकर फ्लाई करता है. और इसे हम कैसे फ्लाई करते हैं, इसको ब्रश कहां से देते हैं, इसको हम हैंड थ्रस्ट देते हैं अपने हाथों से थ्रो करके, राइट? इसी तरीके के हमारे पास दूसरे मॉडल भी हैं जिनको हम कैटापल्ट के थ्रू, यहां से हम कैटापल्ट लगाते हैं, ब्लेड जो कहते हैं बेसिकली, यहां से लगाकर और इसे फ्लाई करते हैं, लॉन्च करते हैं. इसी के साथ हमारे पास रबर पावर मॉडल है इस तरीके के. ये जो छोटे मॉडल है बेसिकली सिखाने के काम होते हैं,
ये हमारा पहला स्टेप है एक एरोमोडिंग जब हम करते हैं एविएशन के साथ, तो एविएशन के लिए ये पहला स्टेप है जिसे हम एरोमोडिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें हम स्कूल और कॉलेज में नेचुरली आप लोगों को भी अगर हम एविएशन के बारे में बताएं कि एक मॉडल क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये पहला स्टेप यानी कि ये जो मॉडल है इन्हीं से बेसिक बताते हैं। क्यों? इसके अंदर ये प्रोपेलर लगा हुआ है, इस प्रोपेलर को जब हम रोटेट करते हैं तो हमारी नीचे से जो रबड़ है वो ट्विस्ट होती है, ठीक है। जब ये अच्छी तरह वाइंड हो जाती है, जब ये अच्छी तरीके से वाइंड हो जाती है तो जैसे ही हम प्रोपेलर को छोड़ते हैं तो प्रोपेलर रोटेट करना शुरू करता है बिकॉज ऑफ रबर। रबर धीरे धीरे रिलीज होती है और रबर के रिलीज होने से क्या होता है, प्रोपेलर रोटेट करने लगता है और उसको थ्रस्ट मिलने शुरू हो जाती है और उस थ्रस्ट से ये हमें आगे की तरफ जाता है। तो यहां पर हमारा न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। दूसरा होता है इसकी जो एरोमोडिक शेप है वो बेसिकली एरोमोडिक शेप की वजह से इसके ऊपर बर्नौलिस प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो बेसिकली एविएशन के लिए दो ही प्रिंसिपल हैं, वो है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ और बर्नौलिस प्रिंसिपल। ये दोनों ही हमारे यूज होते हैं, जब तक ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे तो कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं करेगा। अब ये हमारा एक मॉडल है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं ये अगर आपके पास आए तो थोड़ा ध्यान रखना, कैच करने की जरूरत है क्योंकि ये वुड का है तो डूब सकता है, बस सिर्फ आपको अपने आप को बचाना है, ओके। राइट, ये छोटा सा मॉड्यूल है, ये जस्ट यहां पर हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए अभी फ्लाई किया है। इसी को हम अगर फुल फ्लैश ग्राउंड में फ्लाई करें तो ये काफी अच्छी हाई लेवल पर फ्लाई है। तो ये एक छोटा सा मॉडल है, ये हमारा पहला मॉडल है जेट ग्लाइडर। हम इस छोटे से 6 इंच के जेट ग्लाइडर से लेकर 15 फीट तक के एयरक्राफ्ट यूएवी बनाते हैं जो हम सप्लाई करते हैं, और जितने भी बड़े मॉडल होते हैं वो ज्यादातर आर्म फोर्सेस को सप्लाई करते हैं। राइट, अब हम आते हैं, यस, ये हमारा मॉडल है, लुक एट दिस, सॉरी नीचे वापस डिसेंड करो एक, तो यहां पर इस मॉडल से हमारा क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है इस रबर इस प्रोपेलर की वजह से, रबर की वजह से, और ये मॉडल फ्लाई होता है। तो अब हम आते हैं बेसिकली क्रॉस विंड सॉल्यूशन, इसमें 32 इयर्स हो गए हैं इस वर्क को करते हुए और अब तक करीब जैसे यहाँ आपको ऑलरेडी बताई दिया है 250 से ज्यादा स्कूल और 20,000 से ज्यादा बच्चों को हम इसके बारे में बता चुके हैं। दिल्ली एनसीआर कंटिन्यूसली आज भी हमारे पास 42 स्कूल हैं जिनके अंदर हमारी क्लासेस चलती है रिगार्डिंग टू एरोमोडिंग। राइट, अब हम आते हैं कि बेसिकली एरोमोडिंग है क्या। अभी तो मैंने इसके पार्ट के बारे में, इसकी चीजें के बारे में आपको बताया, तो एरोमोडिंग है क्या और हम इसमें अपने आप को कैसे और कहां पर खड़ा देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं मॉडल के बारे में बता दूं, एक छोटा मॉडल जो अभी आपको दिखाया वो जेट ग्लाइडर है, ये आपके रबर पावर है, इसी में हमारे ये जो आप नीचे देख रहे हैं इस वन ये मॉडल, ये हमारा विदाउट एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में है और ये हम फ्लाई करते हैं एक काइट की तरीके से। काइट मींस जो पतंग हम फ्लाई करते हैं धागा बांधकर, सेम इसको यहां से हम एक थ्रेड बांधते हैं और इसे लेकर भागते हैं 50 मीटर 100 मीटर जितनी भी लंबी हमें हमारा ग्राउंड होता है उसके हिसाब से, और हम इसे लेकर भागते हैं। ये अपने आप हमारे जब हेड पे आ जाता है तो वायर को यहां से रिलीज कर देते हैं
और रिलीज करने के बाद ये अपने आप ही ग्राउंड में राउंड लेते हुए नीचे आ जाता है। इसका टेस्ट फ्लाइंग है ये, सामने एक बार जो सेव कैच कर लें। ओके यस राइट, ये हमारा कोलाइन ग्लाइडर है। इसमें ये मॉडल अगर कोई बनाता है तो इसमें बेसिकली हमें बैलेंसिंग की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर इसको हमने फ्लाई किया 100 मीटर की वायर से तो 350 फीट ये ऊपर जाएगा, उसके बाद वहां से वो अगर ट्रिम नहीं हुआ और सीधा गया तो 3 किलोमीटर तक इसके पीछे भागते हैं और फिर भागते दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको ट्रिम करना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर एक ग्राउंड में आपका राउंड लेता रहे, चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे नीचे आए। ये विदाउट इलेक्ट्रॉनिक होता है। उसके बाद ये हमारे अलग अलग मॉडल्स आ जाते हैं, ये हमारे रिमोट कंट्रोल होते हैं जिन्हें हम यूएवी कहते हैं, जिनके अंदर मोटर, सर्वो, ईएसी, ये सारे इक्विपमेंट लगे हैं जिसकी वजह से ये रिमोटली फ्लाई है। ठीक है, ओके अब हम आते हैं अपने ये ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ऐसे तो मुझे 32 ईयर हो गया है इस लाइन में, जिसमें मैं अलग अलग आर्म फोर्सेस को जाकर ट्रेनिंग देता हूँ रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग की, प्लस अलग अलग मॉडल सप्लाई करता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया 20,000 स्टूडेंट के आसपास मैं सर्विस दे चुका हूँ, उनको उनको जानकारी दे चुका हूँ। 250 से ज़्यादा स्पोर्ट्स और कॉलेजों में मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। करंटली अभी हमारे पास दिल्ली में 42 स्कूल्स हैं, देहरादून में ऑलरेडी 5 स्कूल अभी हैं, क्योंकि मेरा यहाँ हमें अभी 2 साल से हुआ है। और इसी में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेसिकली 4 साल पहले रनिंग में आई है, मीन्स प्रोडक्शन में आई है। उससे पहले ये दिल्ली से वर्क करती थी, तभी हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, बट प्रॉपर जो हमारी इंडस्ट्री जो लगी है वो हमारी 4 साल पहले यहां पर दूसरा। और इसके साथ साथ हमारे वो कई वर्क हैं जिसमें जैसे कि हम मैपिंग्स करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, अगर मान लो गवर्नमेंट को कहीं पर कोई रोड निकालना है, कहीं पर कोई एयरपोर्ट बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी जो जानकारी है वो हम अपने ड्रोन या फिक्स विंग से फ्लाई करके 50 किलोमीटर दूरी तक हम यहाँ बैठकर उसका पूरा व्यू लेकर और पूरा डाटा जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई बनाता है उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ मेरी अपनी जो अचीवमेंट है, जो मैंने ये जो सीखा है ऑलरेडी, नेचुरली आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, किया नहीं होगा, तो हो सकता है कुछ ने ये देखा भी होगा कि भाई हम ड्रोन क्या कहाँ होगा है शादी में या इधर उधर या न्यूज में आपने इस चीज़ें देखी होगी। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में मैंने पहली बार देखा और तभी से मन बना लिया कि मुझे यही काम करना है, और मैंने तब से आज तक यही लाइन पकड़ी। मैंने अपने फोकस को इधर उधर नहीं किया। उसके बाद कॉलेज में आया, कॉलेज में सीखा, कॉलेज में आने के बाद मुझे मौका मिला एनसीसी के ग्रुप जहां पर हम ये एरोनॉटिक्स सीख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं एनसीसी के अंदर, जैसे अगर आपको पायलट बनना है तो ग्लाइडर फ्लाइंग, पावर फ्लाइंग, आपको एनसीसी के अंदर ही कराते हैं। एयरविंग में बात कर रहा हूँ, 3 होती है एयरविंग, आर्मी और नेवी, तो मैंने एयरविंग से किया है, उसी में आप पायलटिंग, उसी में आप स्विमिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। मैंने उसमें एरोनॉटिक्स चुना, तो एरोनॉटिक्स वहां से मैंने की और ऑलरेडी अ लेवल से मैंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये अलग अलग मेडल्स मैंने लिए। इसमें जो सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट थी वो एक स्टैटिक मॉडल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके का एक स्टैटिक मॉडल, ये तो क्या ट्राई हो रहा है। स्टैटिक मॉडल मीन जो सिर्फ हमें 120 शोकेस के अंदर जो रखा रहता है, टेबल पे जो रखा रहता है वो स्टैटिक मॉडल है। वो ऑल इंडिया में जब मैंने जयपाल मॉडल बनाया तो
फोर लेयर में सेकंड आया था, जिसको हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर के आर नारायणन को प्रेजेंट किया। उसी तरीके से अलग अलग जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे वो जो मैंने अरुणी के लिए सब थैंक्स के लिए हुई। ये आप देख रहे हो उसके अंदर जो ट्राइडर जो मोड है जो आर सी ट्राइडर जो ये सारे फिल्म में आपके रखना है, इसमें सिल्वर मेडल के लिए लिया और जो टो लाइक मेडल है इस देश वन इसमें गोल्ड मेडल मैंने इसमें लिया है और लिया है। तो मैंने बेसिकली ऐसी चीज़ से ही क्रॉस फिल्म का जो मिशन है वो बेसिकली टॉप लिस्ट में आना है। वैसे ऑलरेडी अभी जो हमने इंडस्ट्री लगाई है ये इंडिया में पहली एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रॉपर एक तरीके से चल रही है। अदरवाइज घर से कोई छोटा मोटा मॉडल हम भी जैसे पहले कर रहे थे दिल्ली में यहाँ इंडस्ट्री लगाने से तो हम भी कर रहे थे इस तरीके से, बट ऑल इंडिया में पहली एक ऐसी यूनिट है जो प्रॉपर यूएवी है वो मैन्युफैक्चर करती है। ड्रोन अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर पूरे तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हम जो बनाते हैं ठीक है। वैसे ही हमारा वो बेसिकली ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये बता सकें कि यूएवी एक ड्रोन है क्या, उसके फायदे क्या आने वाले हैं ठीक है। सीबीएस का फोकस है वो बेसिकली चार चीज़ों पर। पहला है मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी यूनिट है ऑलरेडी, दूसरा है सर्विस जो हम अलग अलग सर्विसेज जो देते हैं जैसे मैपिंग हो गई, सर्वेलेंस हो गई इस तरीके की, या फिल्म शूटिंग हो, फिल्म शूट हो गया, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग, जैसे कि आप में से अगर कोई चाहता है कि मुझे ड्रोन पायलट बनना है भाई या यूएवी पायलट बनना है तो हम उस चीज की ट्रेनिंग भी देते हैं, आपको ये सारी चीजें बनाना पुराना ये सारी चीजें सिखाते हैं। चौथा है आपका एजुकेशन जो हम स्कूल कॉलेजों में तो प्रोवाइड करते हैं एयरपोर्टिंग ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली हमारे पास अलग अलग चीजें हैं जैसे मैंने अभी बताया चक लाइगर जो हमारे फ्री फ्लाइट मॉडल होते हैं, ये प्रोवाइड जैसे ये हमारे फ्री फ्लाइट मॉडल होते हैं, दूसरा आर सी मॉडल होते हैं जो रिमोट कंट्रोल एसी जो होते हैं, ड्रोन एंटी ड्रोन एक ड्रोन तो बन गया उसको गिराने के लिए दुश्मन देश से अगर कोई एंटी ड्रोन जो ड्रोन आ गया गलत जगह प्रवेश कर गया तो उसे उड़ाना भी तो है उसे बंद भी तो करना है तो उसके लिए एंटी ड्रोन भी। उसके बाद रोबोटिक सॉरी रॉकेट एंड मिसाइल्स के जो मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली हम बनाते हैं। शिप एंड बोट्स यस रिमोट कंट्रोल बोट्स सबमरीन ये हम बनाते हैं। और स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल मीन्स छोटे मॉडल से लेकर 6 इंची के मॉडल से लेकर अभी इस वक्त हमारे पास जो ऑर्डर है जी नेट आपके 71 बार में हंटर और जी नेट मॉडल का नाम सुना होगा जो उस वक्त यूज होता था जो बाद में ट्राई नहीं कर सकता था उसका एक्चुअली 29 फीट का एयरक्राफ्ट हमें बनाने का ऑर्डर ऑलरेडी है हमारे पास जो अभी काम चल रहा है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही हमने मॉडल को बना लिया, उस मॉडल को बनाने के लिए उसको उड़ाना भी है, उड़ाने के लिए उसकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करते हैं और मैकेनिकल जो चीजें होती हैं वो सारी हमें तरीके से अलग अलग सुनाई सर्विस में जैसे मैंने बताया हमारे पास अलग अलग लाइन से रिलेटेड जो सर्विस है सर्वेलेंस हो गया वीडियो फोटोग्राफी करने के जो हमारे वीडियोग्राफी वीडियो बनाना है एडिटिंग करना ये सारी चीजें। जीआईएस मैपिंग मीन्स ग्राउंड की ग्राउंड लेवल की जो हमारी जो चीजें हैं
जैसे रोड, एयरपोर्ट, बिल्डिंग्स, जंगल, इन सब चीजों का जो मैपिंग होती है वो आप करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारा डिलीवरी की जो चीजें हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन ऑलरेडी दे दी है। तो अब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा पीछे कि ऋषिकेश से एक ऋषिकेश वाले हॉस्पिटल से एक ब्लड का सैंपल लेकर वो बार की तरफ जा रहा था, एक वो बेसिकली बीच में क्रैश हो गया, वो एक गलत बात थी, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो मेरा था, बट मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके की चीजें डिलीवर होने लगी। आने वाले टाइम में आप कहोगे भाई वहां समुद्रा था, यहाँ से ड्रोन आपने भेजा और रखा गया, समझ से लेकर आपके पास आ गया, जरूरत ही नहीं कहीं जाने की, बैठे बैठे खाने गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप खुद पे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, यस मैंने अभी बताया एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें हैं आने वाले टाइम में, जैसे हमारा पेस्टिसाइड्स करना, बीजों को उपयोग करना अलग अलग, प्लस अभी एक ऑलरेडी हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है, वो सॉफ्टवेयर क्या है कि हमारा ड्रोन पर्टिकुलर एक पिक्चर से एक वीडियो लेगा, वो अलग अलग जगह पर जाकर उसने पिक्चर्स ली, अगर कहीं पर फिर उस वीडियो का उस पिक्चर का एनालाइज हुआ, अगर उसमें कहीं हमें लग रहा है पर्टिकुलर जगह पर कोई कीड़ा लगा हुआ है या फसल खराब हुई है किसकी वजह से हुई है, तो ड्रोन का डाटा ऑलरेडी हमारे पास उसका पूरा मैपिंग है, तो हम यहाँ बैठे बैठे उसके अंदर से अपने पेस्टिसाइड डालें पूरे पे ना डालकर पर्टिकुलर उसी जगह पर जाएगा और वहीं पर वो छिड़काव करेगा, फिर उसके बाद वापस। तो उसके लिए अभी हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है और जो हमारा एआई से रिलेटेड होगा, आने वाले टाइम में हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा एक रोबो होगा वही सामने होगा, अपने आप देगा विद वॉइस और सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अपग्रेड हो रही है धीरे धीरे, एआई के थ्रू बहुत चीजें चेंज हो रही है। लास्ट में है टाइम डेमोन्स्ट्रेशन, मीन्स जैसे हम आज यहाँ हैं, अभी मौका लगेगा अगर मौसम क्लियर रहा तो हम आइए फ्लाई भी करिए इसमें से, तो इस तरीके के एयर स्कूल भी होते हैं जिसमें हम हर तरीके के मॉडल फ्लाई करते हैं। सर्विस के बाद हमारे पास आती है ट्रेनिंग और एजुकेशन का, एजुकेशन जैसे मैंने बताया स्कूल और कॉलेजों में हम एजुकेशन देते हैं, और ट्रेनिंग विमो प्रो फ्लाइंग की ड्रोन फॉर फ्लाइंग की ऐसे ट्रेनिंग। अब बात आती है आप लोगों से मिलेंगे कि इन चीजों को करने के लिए आप कहां पर अपने आप को फिट बनाना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्स वाले डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो अलग अलग अपने आप को इसलिए डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर अपने आप को देख सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बी टेक वाला ये कर सकता है, बी एस सी वाला ये कर सकता है, या बी सी एम सी ए वो क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग चीजें। तो जैसे बी टेक वाले हैं नेचुरली वो हमारे किसी भी डिजाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते, क्योंकि मैकेनिकल ऑलरेडी वो होंगे तो उनको पता होगा वो वाली कि यहाँ के एक एरोप्लेन जब हम बनाते हैं तो उसमें कितने डिग्री का एंगल हमें देना है, कितने डिग्री हमें इंजन का मूवमेंट चाहती है, राइट थ्रस्ट क्या देना है, डाउन थ्रस्ट क्या देना है, वो चीजें छोटी छोटी जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं उस डिजाइन से आपको पता से मैसेज के अंदर हम ज्यादा तो नहीं लगा, मैं थोड़ा जोर करूँ तो या सही ऐसे ही चलने में ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सी एस या बी सी ए या एम सी ए वाले जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली इसके अंदर हमारा आने वाला टाइम जो ए आई का है, प्लस अगर ये मॉडल है ये हमारा एक ड्रोन है, इस ड्रोन को उड़ाने के लिए इसके अंदर एक फ्लाइट कंट्रोलर है, या इस फ्लाइट कंट्रोलर में क्या होता है, इसको हमें डायरेक्शंस बतानी होती है, इसको हमें कैलिब्रेट करना होता है, वो कैलिब्रेशन कैसे होता है विद सॉफ्टवेयर, हमें इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डालना होता है कि इसको जब ये उड़ रहा है तो एक मीटर
से दूर ही रह जाता है, या हम इसके पास भी आते हैं तो ये अपने आप पीछे हो जाए, राइट। ये 100 मीटर ऊपर से ज्यादा आ जाए, ओके, जब जमीन पर आए तो इसकी स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाए। ये सारी चीजें हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जो चीजें हैं ये हमें इसके अंदर करनी पड़ती है अलग अलग, तो ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के थ्रू। फिर इस फ्लाइट कंट्रोलर को हमें इन मोटर्स को चलाने के लिए अलग अलग पीएलसी लगी है, स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, वो कितनी दे रही है, कहाँ दे रही है और कितनी स्पीड कब होनी चाहिए, जब बैक कर रहा है तो जो इधर वाली मोटर है वो तो फास्ट होगी, ऊपर वाली स्लो होनी चाहिए। ये सारी चीजें टेक्निकल है, तो ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू मालूम होती है, मगर सॉफ्टवेयर के साथ साथ देखो रिलेशन सबका अपने आप कैसे बनता जाता है। एक तो सॉफ्टवेयर वाले ने काम किया, फिर मैकेनिकल वाले ने अपनी चीजें बनाई, उसके बाद फ्लायर वाले ने अपनी चीजें, एक दूसरे के रिलेटेड, इट मींस कोई भी आप काम करते हो तो टीम वर्क से ही काम होता है, अकेले आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी काम करना, कोशिश करना, आपका टीम वर्क हमेशा बेटर होगा और अच्छा होगा, आउटपुट आपको हमेशा अच्छी। सेम ऐसे जो हमारा बीटेक बीटेक वाले जो बच्चे हैं, जो डिप्लोमा जो करते हैं, वो भी इसमें वर्क कर सकते हैं, बीए वाले काम कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लायर टूरिज्म के रूप में जो जगह अलग अलग जगह पर जाते हैं फ्लाइंग अचीव कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, यस नेचुरली जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मार्केट में सेल भी करना है, पहुँचाना भी, तो उसके लिए हमारे पास बीबीए और एमबीए वाले बच्चे इस वर्क को अच्छा कर रहे हैं। बाकी ग्रेजुएशन और 12th क्लास तक के बच्चे, हम तो खैर सब उससे ऊपर है, उन बच्चों के लिए ड्रोन फ्लाइंग का सबसे अच्छा तरीका अपने आप को इस लाइन में लाना, ठीक है। अब यह हमारी स्किल सेट, नेचुरली ये हमेशा होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, आप आजकल यूट्यूब पे देखते होंगे, बड़ी जल्दी कोई भी चीज जब बनाते हैं तो तुम करते हो थोड़ी सी बात कर ले और वो दिख जाती है और वो हमें लगता है यार इसको तो बड़ी जल्दी बना दे, मगर उसके पीछे उसकी क्या स्किल्स, उन पे ध्यान। आजकल के यूट्यूब या इस तरीके की जो छोटी छोटी जो वो बनती है वो दिखने में तो अच्छी लगती है, बट उसके पीछे जो उसने वर्क किया हुआ है या उसकी जो अपनी स्किल्स है वो बहुत, तभी उसने वो काम करके उसको सक्सेसफुल काम किया, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो स्किल वाले जो स्टूडेंट्स की जो इस लाइन में जो है वो हर चीज के अंदर, चाहे वो मार्केटिंग वाला हो, चाहे वो फ्लायर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, या वो इलेक्ट्रॉनिक पे इक्विपमेंट जो बना रहा है वो, तो हर चीज में जब वो जब उसकी स्किल हो जाएगी तो बेटर होता है अपने आप से सारे काम करते हैं, फिर तो टीम वर्क हो जाता है, एक आदमी की स्किल बाकी की, ठीक है, उसमें अलग अलग चीजें आती हैं। अब आती है हमारी जॉब्स कैसे कैसे, कि हम जब एक वर्क को लेते हैं मतलब हम इसमें अपनी अपने आप को कैसे देखते हैं कि हम हमें कैसे काम इसमें मिल सकता है या हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं हमारी जॉब, तो इसमें अलग अलग है। जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन को अभी मैंने बताया कि जब हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो उनको कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में खाली अभी तो मैंने सर इसका फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में बताया, बट इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, इसको करने के लिए हमें कितनी कितना डिस्टेंस पहुंचाना है या कोई क्वेश्चन चाहिए हमें डालना है, तो पर्टिकुलर अगर वो उसी जगह पर जाए और फिर वो काम करे, या जो सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है उसने ये देख लिया कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पर हमारा एग्रीकल्चर में हमें डिस्टेंस की जरूरत है और कौन सा कीड़ा वहां पर लगा हुआ है, फसल किस वजह से खराब है, उसकी सारा एडवर्टाइज एनालिसिस करके वो सॉफ्टवेयर बनाना, वो भी स्किल के रूप में आता है और उसकी उसका अलग से जॉब प्रोफाइल, ठीक है। मैकेनिकल, यस मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसके पीछे हमें उसकी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने कितने पॉइंट को, मतलब ये जब हम मॉडल उड़ाते हैं तो इसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए, मैं ये मॉडल अभी मैंने आपको उड़ाया था इसी को मान कर उड़ाता हूँ, ये मॉडल भी सीधा गया, ये मॉडल भी सीधा गया, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर देखना ये गिर जाए, अभी ये मॉडल हल्का सा सीधा करके हमका लेफ्ट
अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने यहाँ से हल्का सा इसको जो मैंने हल्का सा अप किया, राइट, कुछ नहीं किया, हल्का सा मैंने अप किया। अब मैं इसे दोबारा से ट्राई करता हूँ, अब देखते हैं कहाँ जाए, कितना फर्क। एक छोटे से मूवमेंट से, जबकि कोई खास मैंने उसे बहुत ज्यादा नहीं किया, हल्का सा सब थोड़ा सा चेंज किए और उसकी वजह से टाइम में कितना असर आ गया। सेम यही जब आप कोई मॉडल बनाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हैं, तो मैकेनिकल का और बड़ा रोल होता है। उसके बाद आता है हमारा फ्लाइंग, यस, जबकि दोनों चीजें हमारे अवेलेबल हो जाती है तो फ्लायर उसकी भी स्किल सेट होना जरूरी है। इसी मॉडल को अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यही छोटा सा चपला है जो मैंने आपके हैंड लॉन्च किया, अगर आप लोगों को मैं देता हूं तो करीब ये लगा दीजिए 80% लोग इसे प्रॉपर थ्रो नहीं करता, ये मॉडल फ्लाइट नहीं होता, तो उसको थ्रो करने के लिए भी आपको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे कब और कितनी फोर्स आपको लगानी है, उसके बाद आप ये काम कर सकते। तो मीन आपको फ्लाइंग की स्किल होना जरूरी है, फ्लाइंग की भी अलग से बहुत जो ऑप्शन आने वाले हैं, सिर्फ इसी साल और अगले साल तक 2025 के एंड तक यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 लाख नौकरियां सिर्फ फ्लाइंग की, सिर्फ फ्लाइंग ड्रोन फ्लाइंग। जैसे आजकल आप सुन रहे हो एग्रीकल्चर में ड्रोन नीति के नाम से अभी हमारा एक प्रोग्राम चला था, उसमें किसानों के लिए जो ड्रोन नीति के नाम से है वो घर पर बैठ कर कॉपी फ्लाइंग करने का, तो फ्लाइंग के लिए भी आपकी अलग ट्रेनिंग होती है। DGCA जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का फ्लाइंग का जो जो भी हमारी फ्लाइंग होती है, जितनी भी एक्चुअल एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर या फाइटर जो भी है, वो सारा जो देखता है वो DGCA देखता है। तो उन्होंने एक दो टाइम के लिए अलग से सर्टिफिकेट कोर्स निकाला, आप ये वहां पर सीखकर अपना सर्टिफिकेट ले सकते। उसके बाद है सेल्स एंड मार्केटिंग, उसमें बहुत जॉब्स हैं जो हर चीज के लिए, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको मार्केट में डालना भी जरूरी है, सेल भी जरूरी है, तो उसके लिए बहुत सेम। उसी तरीके से हमारी जो सर्विसेज है, तो सर्विसेज का वही जो मैंने पहले बताया वो अलग अलग क्लाइंट से रिलेटेड, ये सारी चाहे वो सर्विलेंस हो, या स्नैपिंग हो, डिलीवरी हो, एग्रीकल्चर हो, वीडियो फोटोग्राफी, ये सारी चीजें उसको कैरियर कि आप अपने आप को कहाँ पर किस पर्टिकुलर जगह में देखते हो, इसके लिए गवर्नमेंट में अलग से जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में अलग हैं, और आप अपना खुद का वर्क कर सकते हैं। आने वाले टाइम के लिए जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो बहुत ह्यूज, आप उसमें अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट में भी है, डिफेंस में, DRDO में, बॉर्डर सिक्योरिटी में, एंटी ड्रोन में, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब जैसे ही अभी कहीं कोई बाढ़ वाड़ आती है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पर एकदम एक्टिवेट हो जाता है डिजास्टर, तो उसमें बहुत सारे ट्रैफिक और पुलिस के लिए जब कहीं कोई दंगे होंगे होते हैं तो नेचुरली कोई याद आती है, क्योंकि ऊपर से ड्रोन उड़े कल जो उन्हें पता लग जाए कि कहाँ कौन बैठा है, पत्थर लिए और कुछ रिपोर्ट करने के लिए, राइट, तो पुलिस वहाँ पर अपना काम करती है। तो इस तरीके बहुत सारी जॉब्स इसके अंदर हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग कंपनियाँ हैं काम करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट सोल्यूशन और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपने आप खुद अपनी एक इंडस्ट्री, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो सर्वेलेंस की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेनिंग सेंटर, किसी भी तरीके की आप अपनी एक इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं। आप खुद में अपने योग के तो आप अपने आप को भी वहां देख सकते हैं। सो बेसिकली ये चीजें हैं जिसकी जिससे आपको पता लगता है कि भाई हम जो हमारी आने वाले टाइम में या जो अभी करंटली जो चल रही है यूएवीज एंड ड्रोन जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, करेगी और कितना ज्यादा मार्केट में, राइट। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट, एनीवन, या तो मैं अच्छी तरह समझा सकता है या
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, यू वांट टू फ्लाई? आप में से कोई उड़ना चाहता है? नहीं, कोई भी नहीं, सबको ग्राउंड पे रहना है। नहीं, लोग उसमें क्या हुआ, एक्टिव नहीं है? यस प्लीज, अब बोलिए, उड़ना चाहते हो? ओके, खुद उठना है या मेरे साथ उठना है? और ये भी आपकी गाइडेंस में होना है। थैंक यू, दैट्स नाइस। सो मैंने जो इतनी चीजें बताई उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है कि रूम कितने हैं, हमारे पास अलग अलग मॉडल्स कैसे हैं, पहले किसने बनाया है, फिर कहां से आया, कोई क्वेश्चन नहीं। एक मॉडल है जिसमें मोटर नहीं है, वो भी हमारा 100 फीट तक उठ सकता है, 100 मीटर तक। और एक रिमोट कंट्रोल है जिसे हम कहते हैं सिर्फ 100 मीटर तक ही, उससे ज्यादा मत उड़ाओ। क्यों? अगर 100 मीटर से ज्यादा हम उड़ाएंगे तो क्या होगा? ये आउट ऑफ रेंज हो सकता है, होगा नहीं। वैसे तो हम इसे 50 किलोमीटर दूर तक भेजते हैं, बट विद सम इक्विपमेंट। बट अगर नॉर्मल हम जब फ्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं कि इसे कम से कम दूरी पे रखते हैं। अगर ये 100 मीटर तक जाता है तो उसके बाद हमें ये नहीं पता लगता क्योंकि वो दिखता ही इतना सा, इतना बड़ा मॉडल इतना सा दिखेगा, हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो जा रहा है कि आ रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि वो मेरे पास आ रहा है, वो पता लगे तो जा ही रहा है, उसके बाद वो 1 किलोमीटर की रेंज में जाने के बाद उसके बाद फिर भागना पड़ता है उसके पीछे चलाने के लिए, तो जा रहा है आगे रहा है होता है। तो एक फ्लाइंग के लिए ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। प्लीज आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका मॉडल जा रहा है आ रहा है। एक मॉडल जब हम फ्लाई कर रहे हैं तो उसका कुछ हम लेफ्ट दे रहे हैं तो लेफ्ट जा रहा है, राइट दे रहे हैं तो राइट जा रहा है। बट जैसे ही उसकी नोज हमारी तरफ होगी, वो जब आ रहा होगा तो क्या होगा, क्या होगा, सारे कंट्रोल उल्टे हो चुके होंगे। हम लेफ्ट देंगे तो राइट जाएगा, राइट देंगे तो लेफ्ट जाएगा, होगा कि नहीं? मगर अगर आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया और आपने ये सोच के फ्लाइंग ली थी कि मैं इसका पायलट हूं और इसके अंदर बैठा हूं, तब तक आप फ्लाइंग नहीं करता। जिस वक्त आपने ये सोच लिया कि मैं पायलट हूं और इसके अंदर बैठा हूं, मैं उड़ा रहा हूं, तब आपका ओरिएंटेशन सही है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो यहीं पर आपको फेल होगा क्योंकि वो ये सोचते हैं मैं फ्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो मॉडल के हिसाब से चलते हैं, वो अपने खुद पायलट होने के हिसाब से नहीं चलते, इस वजह से गड़बड़ होता है। ठीक है ना? सो कोई क्वेश्चन? यस प्लीज, या मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूं, हो जाए? सबसे पहला एयरक्राफ्ट किसने बनाया? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स, बिल्कुल ठीक। मगर कब? कब? 1903। कितनी देर फ्लाई हुआ जो जो उन्होंने सबसे पहला मॉडल बनाया? ओनली 12 सेकेंड, सिर्फ 12 सेकेंड। जो कितनी दूर फ्लाई हुआ है यहां से लेकर वो उस दीवार, सिर्फ 120 फीट। उसके बाद उन्होंने उसमें बहुत सारी चेंज, पागल होते हैं ना लोग, जब किसी चीज के लिए वो पागल हो जाए ना तो रिजल्ट निकलता है, और वो जो रिजल्ट निकलता है वो इतिहास है। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा 2 साल बाद आए, जब मैंने फ्लाई किया 39 मिनट की फ्लाइट हुई और 36 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज वैसे 24 माइल्स है, इतनी दूरी तक उन्होंने फ्लाइंग यहां से हरिद्वार तक, आई थिंक इतना ही होगा है ना, यहां से हरिद्वार तक उन्होंने वो दूसरी फ्लाइट, और उस एयरक्राफ्ट को बैठ कर फ्लाई नहीं कर सकते, लेट कर बना पैरों से उसके पैटर्न को चला, उसको लेट कर फ्लाई। तो उनमें भी कुछ होगा, उससे पहले वो बहुत आगे थे, किसी ने अपने पंख बनाए और
कूद गए, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, बहुत सारे चीजें जो पागल होते हैं वही काम करते हैं, ऐसा है क्या? तो इसका मतलब मैं भी पागल हूं। मैं एरोमोडलिंग के लिए मुझे नहीं पता कि कब सुबह होती है कब रात होती है। जिस दिन मेरे माइंड में अगर कोई नई चीज आ जाए कि कुछ नया डिजाइन करना है तो मुझे नहीं पता कब सुबह होती है। मैं बिना जगे 3 दिन तक बिना जगे काम कर सकता, बिना जगे। मेरी बात को आप पकड़ नहीं रहे, मेरी बात को पकड़ नहीं रहे। मैं वही तो चीज देखो कि इनका ये कहां पर है, बिना जगे भी सोते सोते कौन पकड़ेगा बातों को। मेरी आदत है जब मैं क्लास में या कहीं कोई बात करता हूँ तो जान पूछ कर ऐसी कुछ गलतियां करता हूँ कि सामने ऑडियंस क्या कर रही है, क्या सोच रही है, वो मुझे पता चलता है। सो अभी भी इंटरेस्ट जो है ना, वो अभी इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। हो सकता है आप लोगों की लाइन थोड़ी से अलग हो, इसलिए आप कुछ हो सकते। कुछ टाइम बाद जब आप यहां से जाओगे तो हो सकता है आप कहीं भी कोई वर्क कर रहे हैं, उस वर्क में जब आपको ये लेट होगा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि हाँ वाकई ये चीज थी। और आने वाले टाइम में जब तक आप मार्केट में आओगे, जब तक आप अपना काम करोगे या जॉब करोगे या कोई काम करोगे, तब तक ये आपको बहुत अच्छी तरह मार्केट में दिखने। इसीलिए अभी से सोचना शुरू करो, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका बेस्ट है। ये मत सोचो कि वो करा करो ये बेस्ट है, नहीं, आपका काम आपका बेस्ट है, उसको आप इसके साथ रिलेट कैसे करते हैं और अपने आप को और अपग्रेड कैसे करते हैं वो आप ठीक है। जैसे आज की डेट में कोई कंप्यूटर से लोग काम कर रहे हैं लोग, वो हर कोई या कहीं भी चले जाओ वो सबसे ज्यादा लोग आप बात क्या करते हैं, AI होती है बात, AI होती है ना, तो हर चीज के साथ रिलेट होती है। सो सेम यहां भी कुछ इसी तरीके की चीजें हैं कि आप अपने आप को या अपने काम को इनके साथ कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। सो कोई और क्वेश्चन? वैसे किसी का नहीं है पर फिर भी है तो सर, ड्रोन सबसे पहले किसने बनाया? हाँ जी, ड्रोन सबसे पहले किसने बनाया? ड्रोन से पहले हेलीकॉप्टर। ड्रोन किसने बनाया सर? और मैं कहूंगा अगर 3D वाले अमित खान ने बनाया तो नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो ड्रोन का मैं नहीं कह सकता कि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा किसने बनाया। हम जब कोई काम करते हैं, जैसे मैं नए नए मॉडल डिजाइन करता हूँ, आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये खाली विंग फ्लाई हो सकता है? कोई सोच सकता है? हम खाली विंग को भी फ्लाई करते हैं। तो जब आप सोचते हो और उस पर वर्क करते हो तो उसमें बहुत सारी प्लस माइनस होती है। उन प्लस माइनस से जब आप जीत कर बाहर आते हो तो आपका रिजल्ट, तो ऐसे ही ड्रोन का भी रिजल्ट आएगा। मुझे नहीं मालूम किसी ने बनाया उसके बारे में, बिल्कुल नहीं मालूम। पर हाँ इसके ऊपर जैसे मुझे याद है करीब 11 साल पहले मैंने इसका इसके ऊपर एक ट्राइकॉप्टर बनाया, यानी कि 3 मोटर के साथ, यह आपका 6 के साथ है, नीचे 4 के साथ है, छोटा वो निकाल। तो उसमें हमने ट्राई वाला बनाया जिसको हम आज वी टोर के रूप में यूज करते हैं। वी टोर मीन्स ये जो एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर हम उसको यूज करते हैं जिससे कि ये वर्टिकल टेक ऑफ लेता है और आगे बढ़ जाता है। ये छोटा सा राइट, ये भी हमारा राइट के लिए तो है। ये भी छोटा सा ड्रोन है, बट ड्रोन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मल्टीकॉप्टर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे इसके ऊपर अलग अलग प्रोपेलर्स लगे हैं, राइट, इसीलिए हम इसे मल्टीकॉप्टर कहते हैं, ठीक है। ड्रोन तो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, रेड एंड ब्लू दो लाइट हैं इसमें अलग अलग, क्यों? ये हमें बताता है कि फ्रंट कौन सा है और बैक पोर्शन कौन सा है ना, तो ये दो पोर्शन अलग है।
अब मैंने ब्लू उधर किया है, यानी कि ये फ्रंट वाला एरिया उधर का हुआ। अब इस छोटे से में ये अभी आप देख रहे हो राइट साइड, पर्टिकुलर राइट साइड जा रहा है, इट मींस इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट मींस जब हम इसे फ्लाई करते हैं कभी अचानक कभी नीचे गिर जाए, थोड़ा सा इसके मूवमेंट को हम चेंज कर दें फ्लाइंग के साथ साथ, तो क्या होता है इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका जो कैलिब्रेशन है वो चेंज हो जाता है। तो जब वो चेंज हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है ये अपनी पर्टिकुलर दिशा में एक साइड भागने से, तो उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। जो बड़े मॉडल है, जो बड़े जो ड्रोन है, देख रहे हो सिंपल, अरे अरे तो थोड़ी सी चीज के ऊपर आप कैलिब्रेशन, आप ये सारी चीजें इजीली कर सकते हो। ये छोटी सी चीज है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ये हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो बच्चों को देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कि इसमें कैसे कैलिब्रेशन करना है, कैसे आपको मोटर फिट करनी है, प्रोपेलर कैसे करनी है, फ्लाइट कंट्रोलर क्या है, इसमें जो अलग अलग मोटर लगी है उनके कनेक्शन कैसे आप यूज कर रहे हो, कैलिब्रेशन जो हो रही है उसको हम कंप्यूटराइज कैसे करते हैं, वो हम एक ही बार करते हैं बेसिकली, बट उनको बताना पड़ता है। यही चीज तो स्टार्टिंग में स्कूल से ही हो जाती है, तो पहला स्टेप हम स्कूल में ही देते हैं। अब यही चीज जब हम बड़े आपस में आते हैं, आप लोगों के उसमें आते हैं, तो फिर ये बड़े आते हैं। अब यहां जो इसमें जो फ्लाइट कंट्रोलर है बिल्कुल अलग है, इसको हम फ्लाई करते हैं, यहां इसको हम फ्लाई करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, जीपीएस, इसमें पहले जीपीएस का सिग्नल आता है, वो जब ग्रीन हो जाता है यानी कि वो सिग्नल जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ जीपीएस इसने ले लिया है, जीपीएस प्रोडक्शन हो चुका है, डेटा हो चुका है, तब हम इसको फ्लाई करते हैं। अदरवाइज हम इसे बिना जीपीएस के भी कर सकते हैं, तो वो मैनुअल, जैसे ये है इसमें हमने जीपीएस नहीं लगाया हुआ, तो उसको हम मैनुअल फ्लाई कर सकते हैं। इन चीजों को हम ग्राउंड में करें तो ज्यादा बेटर है, ग्राउंड में कौन कौन चलेगा, गर्ल्स नॉट इंटरेस्टेड हैं? आप लोगों को पता है कि गर्ल्स भी आज की डेट में कितने बढ़िया फ्लायर्स हैं, वो ड्रोन दीदी देखते हो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता मगर फिर भी वो फ्लाइंग करने लगे, तो आपके लिए तो और ज्यादा बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है, अच्छी वो है अपॉर्चुनिटी। खैर तो चलने को तैयार है साहब, चले ग्राउंड। आप इसे उड़ाना, मैंने अभी क्वेश्चन किया था मैंने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि कौन उड़ना चाहता है, अब बताओ कौन उड़ना चाहता है अच्छा उड़ाना कौन चाहता है, देखा उड़ाने के नाम से वो डर गया, मगर उसके साथ मैंने एक और क्वेश्चन किया था कि खुद उड़ना है या मेरे साथ, यानी कि खुद उड़ाना है या मेरे साथ, अब वहां ये भी नहीं क्या नहीं, ये जो चीजें हैं मैंने पहले ही बताया, जब हम इन्हें फ्लाई करते हैं ये जो छोटा मॉडल है इसे जैसे ये मॉडल, इसको हमने एक बार कैलिब्रेट कर लिया, इसको कोई भी स्कूल में जब दे देते हैं तो वो उड़ा लेते हैं, उड़ाई हो गई कोई बात नहीं। इनके अंदर भी हम अगर इनको अच्छी तरीके से यानी कि बेस्ट हम इनको कैलिब्रेट कर दें तो फिर ये टॉय के रूप में काम करें, खिलौने के लिए, फिर तो बस इसका स्विच ऑन किया, बटन ऑन किया, पावर दी, ये आराम से उड़ा, उसके बाद आप बातें कर रहे हो वो वहीं खड़ा रहेगा जहां खड़ा है।
ये चीज़ तभी तो हमारी फोटोग्राफी अच्छी होगी राइट, तभी तो हमारी एडिट फोटोग्राफी जो हम करते हैं वो तभी बेटर हो पाती है। आज की डेट में अभी हमारे पास एक नया ऑर्डर हो गया है, उसके लिए नया एक ड्रोन आया है जिसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ उसकी खुद की अपनी कोस्टिंग करीब 25 करोड़ रुपये की उस ड्रोन, मगर वो अकेला ड्रोन कुछ नहीं करना, जैसे ही आप फ्लाई करते हो आप कहाँ खड़े हो केदार रहो, सिर्फ आपके इस बिल्डिंग के एक दो जगह पर मैं एक वो सेंसर उसके लगा दूंगा, मीन्स पूर के तरीके से होते हैं, इस पूरी बिल्डिंग का एक एक खिड़की एक एक दरवाजा एवरीथिंग हार से पूरा एक रिव्यू बन जाएगा और उसको आप अपने कंप्यूटर में डालो, जरूरत ही नहीं है कुछ बनाने की, पूरा बना हुआ तैयार है। उसी से हम ये जो आसपास का जो ग्राउंड है, कहाँ हमारा स्विमिंग पूल हो सकता है, कहाँ क्या हो सकता है, वो सब फटाफट तैयार हो जाए। तो चीज़ें कितनी तेजी से चेंज हो रही है विद AI, तो सब कुछ है करने के लिए। ठीक है, चले फिर ग्राउंड में। yes, सब तैयार है ना? yes, ओके, यही उड़ाना है या वो भी उड़ाएं? सारे सारे उड़ाने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, बट हम इसमें से एक मन उड़ा लेंगे कोई और इन्हें भी उड़ा लेंगे। ठीक है, चले us but also sparked our curiosity and inspired us to explore the vast possibilities that drones have to offer. I would like to invite Honorable Dean Sir to present the Sol and Literature book to Sir. I would like to invite Honorable Vinod Kumar Sir to stage. I would like to invite Dr. Rohit Sir. Badola sir to present book Abhishek sir. Thank you, sir. I would also like to thank all of you for joining us and showing your interest in this exciting industry. Thank you once again, everyone, to make the program successful. Kindly gather in front of the playground for air show. Please join us.